हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों यदि आप एक विद्यार्थी हैं और आप शिक्षा से संबंधित किसी भी विषय का कोर्स कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जानकारी में हम आपको बताएंगे किस प्रकार आप गवर्नमेंट फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2021-22 का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब आपको लेकर चलते हैं वीडियो के नोटिफिकेशन पर और आपको देते हैं सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों गवर्नमेंट फ्री टैबलेट फ़ोन स्कीम 2021-22 68 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देगी सरकार, सिर्फ इन विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। आइए दोस्तों जानते हैं वे कौन विद्यार्थी हैं जिनके इस योजना के माध्यम से इनका लाभ मिलने वाला है। चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। दोस्तों योगी गवर्नमेंट फ्री टैबलेट स्कीम, चुनावी बेला से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार की यह घोषणा युवाओं की जुबान पर चढ़कर बोल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए दिसंबर में सौगात लेकर आ रही है। सूबे में योगी सरकार 68 लाख विद्यार्थियों को इस साल के आखिरी महीने में स्मार्टफोन और टैबलेट देने जा रही है। इसके लिए बाकायदा पात्र विद्यार्थियों का डेटा फीड करने के लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च किए जाने की तैयारी भी है। सरकार के सूत्रों की माने तो टैबलेट और स्मार्टफोन की बड़ी खरीद जेम पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। चुनावी और आचार संहिता के मद्देनज़र ये माना जा रहा है कि स्मार्टफोन या टैबलेट की सप्लाई नवंबर महीने की शुरू भी हो जाएगी। सरकार के प्रवक्ता की माने तो योजना के लिए पात्र विद्यार्थियों का डेटा फीड करने की जिम्मेदारी भी तय कर ली गई है। बताया गया है कि संबंधित यूनिवर्सिटी महाविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं को पूरी सावधानी बरतते हुए डेटा फीड करना होगा। डाटा फीड के बाद ही योजना के बारे में आने वाले छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने की जानकारी मोबाइल पर दी जाएगी। टेंडर के नियमों और शर्तों को यूपी कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। पारदर्शिता बरकरार रखने के मकसद से विद्यार्थियों को ये बताया जाएगा कि टैबलेट और स्मार्टफोन खरीदने के लिए टेंडर के नियमों और शर्तों को यूपी कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा, जिसकी कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही 7 दिन के, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 7 दिन में टेंडर कर दिया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द यानी दिसंबर के महीने में, दोस्तों दिसंबर महीने से इसका वितरण भी शुरू कराया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, जो भी विद्यार्थी किसी भी चीज़ का कोर्स कर रहा है वह इस योजना का लाभ ले सकता है। हो सकता है दोस्तों इसमें आपका भी नाम हो, आपको लैपटॉप मिल सकता है या फिर टैबलेट या फिर कोई स्मार्टफोन। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके परसेंटेज के ऊपर। या और फिर दोस्तों दूसरी बात यह है कि इस योजना का लाभ गरीब फैमिली वाले बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई को देखते हुए यूपी सरकार ने ये तय किया है कि जो भी गरीब बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन प्रदान किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों यह थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी व्यक्ति इस योजना के बारे में जान सके और वह भी लाभ ले सके। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उसकी जानकारी आपको दी जाती है, चाहे वह सरकारी हो, सरकारी नौकरी हो, या संविदा पर सरकार द्वारा निकाली गई नौकरी हो, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों आपसे चाहते हैं इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।